हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं बहुत ही पुरानी रेसिपी को बनाने वाली हूँ, जो कि मेरी दादी को बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी मेरी दादी को ये। पर उस टाइम क्या था, मुझे ये अजीब सी लगती थी, मैं नहीं खाती थी। तो बाद में, थोड़े दिन बाद, मेरी दादी ने मुझे ज़बरदस्ती एक दिन ऐसे खिला दिया, तो मुझे पसंद आ गई। तब से ये मेरी फेवरेट हो गई है। तो इसको घुइया भी बोलते हैं, और घुइया बोलते हैं, घुइया बोलते जो भी, मेरे यहाँ इसको अरबी बोलते हैं। तो ये आधा किलो अरबी है, मैंने इसको धो लिया अच्छे से, और इसको रख देंगे 2 सीटी आने के लिए हाई फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाती, ये फटाफट से पक जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसको पकाने में। और इसकी जो रेसिपी है ना, बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने क्या किया, इसको अच्छे से 2 सीटी लगा करके मैंने विसिल को खुलने दिया खुद से, और ठंडे पानी में डाल करके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी है, नहीं तो अगर आप चाहें तो ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा, फिर छील लीजिएगा। मैंने ठंडे पानी में डाल करके क्या किया है, इसको जल्दी से छील लिया है, क्योंकि मुझे फटाफट से बनानी थी ना, मॉर्निंग का टाइम है अभी। तो मैंने क्या किया, इसको छील लिया है, और उसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या लिया है, और आपने ये रेसिपी इससे पहले बनाई है कि नहीं बनाई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नहीं बनाई तो एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल। कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लेना है, और इसमें ले लेना है आपको हींग, अजवाइन, आधा छोटा चम्मच लहसुन, हरी मिर्च, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा दे करके उसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। उसके बाद जो अरबी है, इसको मैंने मैश कर लिया है, मैश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे अच्छे से इसमें, जितना आपको चाहिए हो, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ज़्यादा कम थोड़ी चाहिए होता है किसी को, तो नमक डाल देंगे। और इसको अच्छे से इसकी 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे, जब तक ये लाइट गोल्डन कुछ इस तरह से नहीं हो जाता है। अगर आप इस तरह से इसको बना लेंगे ना, तो ये दाल के साथ, दाल चावल रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी आती है।